हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है मुंतजर 2, तलहा अंजुम, शाहरुख वकार। सो शाहरुख वकार को हम पहली बार सुनेंगे, मैंने इन्हें पहले नहीं सुना है। तलहा अंजुम के साथ हैं तो ऑब्वियस है कि अच्छे ही होंगे, क्योंकि जितने भी इनके साथ कलैब करते हैं ना, उन सबके ट्रैक मुझे बहुत पसंद आते हैं, उन सबके वर्ड्स मुझे बहुत पसंद आते हैं। सो मुंतजर 1 पे मैं रिएक्ट कर चुकी हूँ, आपको पता होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो वो पहले जाके देखो, उसके बाद ये देखना। सो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मुंतजर 1 बहुत ज़्यादा ऑसम ट्रैक था, बहुत प्यारा ट्रैक था, मतलब एकदम रिलेट करने वाला था। जो भी जितने भी आशिक हैं ना, उन सबको रिलेट करने वाला था। तो अभी देखना ये है कि इस ट्रैक पे क्या होने वाला है। वैसे तो मुंतजर 2 है, तो आई थिंक मुंतजर 1 से रिलेटेड ही होगा ये वाला ट्रैक, तो बाकी देखते हैं। और इस ट्रैक के सजेशन, माय गॉड, मैं जितने भी यंगस्टर के गानों पे रिएक्ट करती हूँ ना, उन सब पे मुझे कमेंट ये ज़रूर आता है। तो गाइज, मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ, बट थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि सबकी सुननी पड़ती है। नहीं सुनो तो फिर सब लोग बोलते हैं कि आप तो बस इन्हें ही सुनते हो। पर कोई बात नहीं, अभी इन्हें सुनेंगे बिना किसी देरी के, और लेट्स सी ये ट्रैक कैसा होने वाला है और मुझे कैसा लगने वाला है। उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हाँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना मैं आगे किस पे रिएक्ट करूँ। वैसे तो आप बताते हो, बहुत अच्छे हो आप लोग। सो अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाके कर लेना अगर मन करे तो, और मेरे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके चेकआउट करना। सो अभी इस वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। स्टार्ट। अच्छा, शाहरुख वकार के चैनल पे ही आया है। ओके, नाइस। सब सुनते गीत मेरे, इल्तिजा खामोश मेरी, घुट रही सांसें मेरी, सोच ही तो बोझ बनी, खुद तो मैं भटका हुआ लेकिन जारी खोज तेरी, झूठे का मुंह काला, याद आती रोज तेरी, वो कहते जो जाता वो मुड़ के वापस आता, पर जब मैंने मुड़ के देखा तुझे तू वहां ना था। I was broken, faded, liquor in my glass, मैं तेरे बिना आधा, तू मेरा better half, लेकिन मैं दिल का बोझ हल्का करूं कैसे, बोलूं किसे, सुनेगा कौन मेरे सारे दर्द भरे किसे, इसकी या उसकी सुने बात कर तू आके मुझसे, तेरे उन दोस्तों से ज्यादा था मैं क्लोज तुझसे, और रोज मुझसे होंगे नहीं ये शिकवे गिले, अपनी इसलाह करनी है तूने खुद से। ये मुंतजर है, मुंतजर है, मुंतजर है आंखें मेरी, वही गम है, वक्त कम है, सुनी सुनी रातें मेरी, मुंतजर है, मुंतजर है, मुंतजर है आंखें मेरी, वही गम है, वक्त कम है, सुनी सुनी रातें मेरी, अभी भी रातों में तन्हाई एक अजीब सी, अभी भी अदाओं में रुसवाई एक अजीब सी, अभी भी तू दूर होके है मेरे करीब सी, अभी भी दौलत लगती है मुझे गरीब से, देखो कहाँ ले आई जिंदगी मुझे, मराई और ये मंजिले धुंधली सी हैं, और घटा भी छाई सांसें मेरी, गुमसुम है साथ तेरे भी, तेरे पल को याद करके जीते पीते हैं। मुंतजर है, मुंतजर है, मुंतजर है आंखें मेरी, वही गम है, वक्त कम है, सुनी सुनी रातें मेरी, मुंतजर है, मुंतजर है, मुंतजर है आंखें मेरी, वही गम है, वक्त कम है, सुनी सुनी रातें मेरी। ओके, सो ये ट्रैक, ओहो, मुझे लग ही रहा था कि इसमें ऐसी ही फीलिंग होगी, क्योंकि मुंतजर वाले, मुंतजर 1 पे भी ऐसा ही कुछ था, यू नो, इसके बाद जैसी फीलिंग होती है वैसा ही कुछ ट्रैक सिमिलर है। और एक म्यूज़िक और जो वाइब इस ट्रैक पे थी वो सेम वैसी ही मुंतजर 1 पे थी, तो बहुत ज़्यादा प्यारा ट्रैक था। इतनी प्यारी वॉइस थी शाहरुख की, और तलहा अंजुम सुपर्ब, लिटरली सुपर्ब। मुझे यार, मतलब सच में आप लोग बहुत अच्छे हो, मुझे बहुत अच्छे अच्छे गाने सजेस्ट करते हो यार। मैं लिटरली, मैं क्या बोल रही हूँ, मतलब मैं ज़्यादा खो चुकी हूँ इनके गानों में, और जब मुझे बोलने की टाइम आता है ना तो मैं बस
इमेजिनेशन में होती है और ये लाइन बोली थी, कितनी प्यारी थी, कितनी ऑसम थी। ओके, सो मुझे ये ट्रैक बहुत पसंद आया। इस इंसान के साथ हमने लाइफ में काफ़ी अच्छा टाइम बिताया होता है और जब वो इंसान हमारी लाइफ में नहीं होता तो उसको सोच के हम काफ़ी चीज़ें याद करते हैं और एक अच्छा टाइम जो हमने बिताया था उस चीज़ के बारे में सोचते हैं ब्रेकअप होने के बाद। सो यही लाइन उन्होंने बोली कि तेरा जो हमने टाइम बिताया था उसी को याद करके अभी भी हम जीते हैं और जीने के लिए मतलब जाम भी हम पीते हैं। यार शाहरुख की वॉइस इतनी प्यारी लग रही थी ना और उन्होंने इतनी प्यारे प्यारे लिरिक्स लिख रखी थी, गॉड माइंड ब्लोइंग, बहुत प्यारा। और दिल टूटने के बाद ऐसा ही होता है, काफ़ी लोग इस चीज़ से गुजरते हैं और उसको मतलब जिस इंसान के साथ हमने अच्छा टाइम बिताया होता है और जब वो नहीं होता है तो जब ऐसे रिलेशन हमारे साथ नहीं होते हैं ना तो दौलत भी लगती है गरीब सी, जो कि मुंतजिर वन में तलंजुम ने बोली थी और इसमें भी बोला कि तेरे बिना अभी भी दौलत लगती है गरीब सी, जो कि सच्ची बात है। मैंने पिछले में भी बोला था कि ऐसा होता है, अगर हमारे पास बहुत सारा पैसा है और हमारे कुछ अच्छे रिलेशंस नहीं है किसी के साथ तो वो पैसे का किस काम के बताओ। तुम पैसे देके किसी का रिश्ता नहीं खरीद सकते हो, कोई रिलेशन नहीं खरीद सकते हो, हम किसी को बोल नहीं सकते कि ज़बरदस्ती हमें पसंद करो, है ना। तो ये इतनी ज़्यादा प्यारी लाइन्स, इतनी कनेक्ट करती है इनकी लाइन्स सारी की सारी। शाहरुख वकार की वॉइस में बार बार बोल रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। इवन तला अंजुम मुझे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं कर सकते हैं, ना तला अंजुम ना तला यूनिस और उनके साथ जितने भी लोग कोलैब करते हैं वो मुझे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करते। मुझे सीरियसली, मैं सच में बोलना चाहती हूँ कि मुझे इन लोगों के लिरिक्स ना सारी की सारी ही इतनी कनेक्ट करती है, इतना फील करती हूँ मैं इनके गानों को, इसलिए मैं नहीं रुकती इनका रिएक्शन करने के लिए। जिन्हें सुन के हमें एकदम कनेक्ट फील होगा उस बंदे को कोई कैसे नहीं सुनेगा, ये बताओ। इनके अंदर वो टैलेंट है और हम कभी भी उसको अनदेखा नहीं कर सकते और झूठ नहीं बोल सकते कि ये लोग अच्छे नहीं हैं या ये लोग बेकार आर्टिस्ट हैं, ऐसा कभी मैं बोलूँगी ही नहीं क्योंकि ये है ही नहीं। और तला अंजुम का पोएट्री लेवल जो है ना, हमें सर्च करने में भी इतनी अच्छी अच्छी लाइन्स नहीं मिलती। ये लोग इतनी ईजीली अपने लाइन्स में, अपने ट्रैक में बोल देते हैं कि हमें लगता है यार ये है, एक ये होनी चाहिए, ये ज़बरदस्त लाइन है, इसको चेपना चाहिए किसी पे। सीरियसली यार एकदम सुपर लाइन बोलते हैं। और आप इनके गाने जब भी सुनोगे ना, मतलब जितनी बार भी सुनोगे कभी बोर नहीं होगे। अग्री करते हो या नहीं करते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सच में यार ये बहुत ज़्यादा प्यारा ट्रैक था और आई नो आप लोग भी ऐसा ही फील करते हो तभी मुझे ऐसे सजेशन आते हैं ताकि मैं भी फील करूँ। तो थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत सपोर्ट भी करते हो और बहुत अच्छे अच्छे गाने सजेस्ट भी करते हो, थैंक यू वंस अगेन। सो मुझे ये ट्रैक बहुत पसंद आया, ये बहुत अच्छा ट्रैक है और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अब इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। सो मैं मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, बाय।